हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करें एसएससी एमटीएस कटअप 2023 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम सफलतापूर्वक दोनों फेज की एग्ज़ाम खत्म हो गई। आपको बता दें कि फर्स्ट फेज आपको 2 मई से लेकर 19 मई के बीच में चली थी और सेकेंड फेज आपको 20 जून को 13 जून से लेकर 20 जून के बीच में चली थी। वो दोनों फेज आपकी खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो में लोग बात करेंगे कितना परसेंटेज अटेंडेंस रहा है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में, कितने बच्चे ने छोड़ा है एग्ज़ाम और आंसर किया और रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। और एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम समाप्त हो चुकी है, आप लोगों को पता है इसी जारी अटेंडेंस क्या रहा है वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता दें एसएससी एमटीएस में टोटल 12,523 पोस्ट पर ये 2022 वाली वैकेंसी है जो आई है, उसी के बारे में हम लोग ये वीडियो में जानेंगे। तो एसएससी एमटीएस की अटेंडेंस की बात करेंगे, टोटल बता दें आपको 40.92% अभ्यर्थी ने एसएससी एमटीएस की परीक्षा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है उसके लिए बहुत बड़ी अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट ने एग्ज़ाम ड्रॉप किया है। तो आपको हम बता दें कि एसएससी एमटीएस में लगभग आपको 60% यानी कि 59% बच्चे ने एग्ज़ाम छोड़ी है। ये आपको प्रयागराज की न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। आपको हम बता दें कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी टास्किंग एसएससी एमटीएस की 2022 में परीक्षा मंगलवार को संपन्न हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलाकर कुल 21 केंद्र पर यह परीक्षा कराई गई थी, जो कि मई में शुरू होकर इसके कुल अभ्यर्थी की बात करें तो 19,04,139 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, यानी कि आवेदन बहुत अच्छा खासा आवेदन हुआ था। जबकि हमको बता दें आपको 7,089,086 शामिल हुए थे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में लगभग अप्रोक्स 40 से 41% एग्जाम में कैंडिडेट ही शामिल हुए थे। अगर बात करें इस तरह उपस्थित संख्या की बात करें तो 40.92% बच्चा, यानी कि लगभग 41% अप्रोक्स 41% बच्चा ने एग्ज़ाम दिया है। इससे बता दें कि उत्तर प्रदेश में आपको 38.60 यानी कि उत्तर प्रदेश में 38% बच्चा ही प्रेजेंट है, वहाँ तो और ज़्यादा एबसेंट ज़्यादा हुआ है और अटेंडेंस बहुत कम रहा है, इतना प्रतिशत बच्चा ने अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। जबकि बिहार में लगभग 45.45% अभ्यर्थी ने यहाँ उपस्थित हुए, यानी कि बिहार में लगभग 45% अभ्यर्थी उपस्थित हुई। और यूपी की बात करें तो यूपी में आपको 38.60% विद्यार्थी अभ्यर्थी, यानी कि लगभग 19 लाख टोटल बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। तो उसमें से लगभग आप देख सकते हैं 40-42% बच्चे ने एग्ज़ाम में अटेंडेंस हुआ। टोटल 12,523 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है, तो अच्छा खासा वैकेंसी है। आपको पता है कि इसकी एग्ज़ाम संपन्न हो चुकी है, अब इसकी आंसर की के वेट है। तो आपको हम बताएंगे इसकी आंसर की कब तक आने की संभावना है। तो दोस्तों, आंसर की अप्रोक्स 1 से 2 दिन में 20 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी। आपको पता है कि 20 जून की इसकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी। आंसर की 4 से 5 दिन बाद एसएससी आपको 5 से 7 दिन में आंसर की रिलीज कर देता है। आज 25 जून हो गए, यानी कि 5 दिन हो चुका है, यानी कि 26 से 27 के अंदर में आपको आंसर की रिलीज हो जाएगा। और एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम होती है वो अप्रोक्स 1 हफ्ता में आंसर की रिलीज कर देता है और 1 से 1.5 महीने के अंदर में वो आपको इसकी रिजल्ट प्रकाशित कर देता है। इसकी रिजल्ट आपको अप्रोक्स लगभग जुलाई में आ जाएगी, जुलाई लास्ट टू लास्ट से पहले या जुलाई 10-15 से 20 जुलाई के अंदर में इसकी रिजल्ट आ जाएगी और इसकी आंसर की आपको कल या परसों के डेट में देखने को मिल जाएगा। जब भी आंसर की के लेके कोई भी अपडेट आती है तो आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लगभग 70% यानी ऑल इंडिया की बात करें तो 70% प्रेजेंशन है, जबकि बिहार यूपी में जहाँ के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी फॉर्म भरते बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लगभग आपको 41% ही प्रेजेंशन से रहा था। अच्छा खासा है कि रिजल्ट में कट ऑफ बहुत कम रहने वाली, कट ऑफ कम जाने वाली। अब कट ऑफ के लेके वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, आपको पता बदला गया, जिसमें आपको जीके जीएस और इंग्लिश पर ही आपकी कट ऑफ तैयार किया जाएगी। इसी पे आपकी नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन भी होगी, क्योंकि डिफरेंट सीट में एग्ज़ाम हुई तो नॉर्मलाइजेशन होनी है और इंग्लिश से आपको कट ऑफ हो, यानी कि इंग्लिश और जीके जीएस मिला कर आपको एग्ज़ाम होना। तो एसएससी एमटीएस इंग्लिश और जीके इंग्लिश और यानी कि जीके जीएस में आपकी कितने अटेंप्ट्स रहा, यानी कि आपको टोटल 25 क्वेश्चन इंग्लिश से थे और आपको टोटल 25 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से, टोटल 50 क्वेश्चन। तो आप 50 में आप कितना सही करके आए हो, यानी कि जीके में आपको कितना क्वेश्चन आपको अप्रोक्स लग रहा है कि मेरा इतना तक कंफर्म है कि सही है, और इंग्लिश में आपको अप्रोक्स कितना तक लग रहा है सही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कमेंट से एक दूसरे के कमेंट से आपको पता चल जाएगा। और एसएससी एमटीएस की बात करते हैं, एसएससी एमटीएस के एक्सपेक्टेड कटअप हम बना चुके थे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा।
और एसएससी एमटीएस की न्यू वैकेंसी जो जो है 23 की आनी है आपको 14 जून को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज होनी थी, इसलिए अभी तक के लिए नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी एमटीएस 2022 के आंसर की जैसे ही कल या परसों तक रिलीज हो जाएगी, इसी टाइम में आपको एसएससी एमटीएस की 2023 वाली नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगी। उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या होती है, सिलेबस क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ऐसे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।